शहर में खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, कितना क्राइम बढ़ रहा है, और तुम लोग क्या कर रहे हो बैठे हुए चुपचाप? तालियां बजा रहे हो, मजे ले रहे हो? सर मैं क्या करूं, रेड्डी के पास जो भी पुलिस वाला जाता है रेड्डी उसे मरवा देता है, मैं डरा हुआ हूं सर। रेड्डी 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 की माँ का भोसड़ा। कौन रेड्डी से आएगा उसकी अम्मा गाली पकड़ो? बताऊं साले तुझे, अभी लड़की चोर चुगली खोरी करेगा, और मैंने उसे ना कही है, किसी और की अम्मे को कही है, सस्पेंड करवा दूंगा साले तुझे। सर मैं कुछ बोलूं? तू क्या बोलेगा, तेरी कुछ औकात है नहीं, चल अच्छा बोल। सर जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है इस सिचुएशन को देख के मुझे एक ही बात समझ में आ रही है, इनका ट्रांसफर करके ना अफजल सर को बुलाया जाए। नो 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 नो, वो मुजरिम पकड़ता कम है, इनकाउंटर ज्यादा करता है, और तुम तो जानते हो उसके निशाने को, आंखें बंद करके लगा देता है, और उसका शौक बन गया है इनकाउंटर करना, उसके गुस्से को झेलेगा कौन? सर इसलिए ही तो मैंने उनका नाम लिया है, हमें ऐसे इंस्पेक्टर की जरूरत है जो दुश्मनों के लैंड सीधे कर दे। सर ये ठीक कह रहा है, इस शहर को अफजल अहमद की जरूरत है। जरूरत तो होगी, तुम्हारी फाड़ जो रखी रेड्डी ने। ठीक है तुम्हारी जगह अब मैं अफजल अहमद को बुलाता हूँ। गलत है, तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा है, अगर हाथ कांपेगा कभी भी गन चलानी नहीं सीख पाओगे। सबसे पहली बात अपने टारगेट को पूरी तरह देखो, उसके बाद उस पर निशाना लगाओ, एक आंख खुली रहनी चाहिए और एक आंख बंद, सीधे निशाना टारगेट पे, और अगर ट्रिगर दबाते हुए लूजिंग हुई तो बंदूक इधर उधर हो सकती है, किसी और की भी जान जा सकती है, तो सीधा निशाना टारगेट पर और ट्रिगर दबाना है। अरे मर्डर कर दिया रेड्डी ने पुलिस वाले के सामने, साले भैंचोद, तू ये दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ टारगेट है, कहाँ गोली मारी है, इसे जेल में डालो साले को, करो अंदर करो, पकड़ो इसे। सर आपका लेटर आया सुबह। ओ ट्रांसफर ऑर्डर। यार इतना टाइम हो गया अभी तक कोई आया नहीं लेने। जैन सर सॉरी सर आने में लेट हो गया। लेट नहीं बहुत लेट हो गए। वो सर वाइफ के चक्कर में लेट हो गया, वो समझती है मैं करोड़ों कमाता हूँ, कभी नए कपड़े खरीदने कहती है, कभी ज्वेलरी को कहती है, और आज तो उसने हॉलीडे का प्लान करा, बड़ी मुश्किल से बना के आया हूँ सर। मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी वाइफ है, मेरा भी सब कुछ सेकंड सैलरी से हो पाता। सेकंड सैलरी? आप कोई और भी जॉब करते हो सर, टाइम मिल जाता है आपको? सेकंड जॉब नहीं सेकंड सैलरी, इसके लिए मेरे पास है ओक्टा एफएक्स की ट्रेडिंग ऐप, द अवार्ड बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया 2021 एंड द ऑफिशियल ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द दिल्ली कैपिटल टीम, एक ईयर से ज्यादा हो गया है इनके साथ ट्रेडिंग करते हुए। सर ये समझना तो मुश्किल है ना नए बंदे के लिए, आप दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? कोई मुश्किल नहीं है, इनके पास अपने एजुकेशनल कंटेंट है, वेबिनार है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टेलीग्राम चैनल भी है ओक्टा एफएक्स एनालिटिक्स, और इस चैनल पर इनकी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की टीम काम कर रही है, वो हेल्प करती है मार्केट एनालिटिक्स और ट्रेडिंग सिग्नल्स को समझाने में, ये रोज चलता है, अगर तुमने इसके साथ पहले ट्रेड नहीं किया है तो जल्दी शुरू कर दोगे। नाइस सर। और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहाँ से इंस्टॉल करेगा तो तुझे 5,000 USD मिलेंगे तेरे डेमो अकाउंट के लिए, हमारा प्रोमो कोड डालेगा TIT100 तो फर्स्ट डिपॉजिट डबल हो जाएगा, और मैं इनका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी वाइफ भी सेकंड सैलरी से खुश रहेगी। अरे सर वाइफ क्या, मैं भी बहुत खुश हो गया, अभी इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल कर और ब्रीफ केस उठा लेके चल, मुझे जरा कमिश्नर साहब के ऑफिस जाना है। ओके सर। सर इंस्पेक्टर अफजल अहमद रिपोर्टिंग। सर आओ अफजल बैठो। थैंक यू सर। अफजल तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, इस शहर से क्राइम का सफाया। ओके सर, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। चाहने को छोड़ो, चाहते हम ये भी रहे कि सन्नो की मिल जा, लेकिन ना मिल पा रही, तुम अपने शहर पे ध्यान दो। ओके सर, क्राइम का सफाया कर दूंगा जड़ से। ठीक है, थाने जाकर चार्ज ले लो, और जरा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। ठीक है सर, थैंक यू। किस बिल में छुपा था वे कुत्ते, क्या सोचा था मेरे हाथ नहीं आएगा? चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर,
किस चीज के पेपर हैं ये? तेरी अम्मा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आई है। बहन के भोसड़े सीधा मत बन, ये तेरी जमीन के कागज हैं जो तेरे एक साइन के बाद मेरी हो जाएगी। साहब मुझसे ये नहीं होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अरे तो मैं कहाँ तेरी जमीन फ्री में ले रहा हूँ, 1,00,000 रुपए दे तो रहा हूँ तुझे तेरी जमीन के। साहब 1,00,000 रुपए में क्या हो रहा है, मेरी जमीन नहर में आई पड़ी है, कुछ ही दिनों में 2,00,000 रुपए की हो जाएगी। तभी तो मैं उसे ले रहा हूँ, और तू ऐसे ही साइन करता है या मैं कोई और रास्ता अपनाऊं? साइन कर, चल अब जा यहाँ से। भाई रुक जा, 1,00,000 रुपए तो ले लूं, सरकार 1,00,000 रुपए दे दो। 1,00,000 रुपए क्या हुआ, ले 1,00,000 रुपए? सो गया दिखे यार। चल बे टकले, नए केस की फाइलें निकाल फटाफट। सर ऐसा है, टकला मत बोलो। चल गंजे फाइल निकाल बेटे। गंजा भी मत बोलो। अब तो क्या बहुत सड़े के जोनी सिंस कहूँ तुझे अब? कह लो, लेकिन मुकाबले का ये भी नहीं है मेरे। चौखट मुकाबला कर रही है उससे ऐसे है। ट्रेल एंट्री, लेंट्री, लेंट्री, लेंट्री। हाँ ओके सर, रेड्डी ने मर्डर किया है, चलना होगा। चल रेड्डी के पास। सर घर तो यही है रेड्डी का, लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले ने इसमें कदम नहीं रखा है। क्यों, सब केले ही रखे हैं क्या? नहीं सर वो बात नहीं है, इससे डरते हैं सब। सब डरते होंगे, लेकिन अफजाल अहमद किसी से नहीं डरता। चल अब देखेगा तू मेरा जलवा। अब ओ पुलिस ही है, किधर घुसे जा रही है? सर ये रेड्डी का खास आदमी। तुझे पता नहीं है रेड्डी के घर में पुलिस और कुत्तों का आना सख्त मना है, चल निकल यहाँ से। चुप बंदर की झाट, मोटे कद्दू, तूने अब तक गहरे गहरे पुलिस वालों का सामना किया होगा। ये है अफजाल अहमद, अब तक तू जिंदा है तो सिर्फ कमिश्नर साहब की वजह से। अगर वो मुझसे साइलेंट रहने को ना कहते ना, तुझे और तेरे रेड्डी को काट के कुत्तों को खिला दिया होता। चुपचाप मेरे साथ चल वरना कुत्ता बना कर ले जाऊंगा। अभी तू जानता नहीं है पुलिस ये किस पे हाथ डाल रहा है। तू जानता हूँ, तेरे बाप रेड्डी पे हाथ डाल रहा हूँ मैं, और तू उसका पालतू बकरा है जो दिन भर मैं करता है। लेके चल इसको थाने को, और तू कह देना रेड्डी से अगर इसे सही सलामत चाहता है तो थाने आ जाए। उन्होंने कभी थाना नहीं देखा और ना उन्हें थाना देखने की कोई जरूरत, तू खुद इसे यहाँ छोड़ कर जाएगा। मैं तेरे जज्बे को सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अब तू भी देखेगा रेड्डी कैसे मेरे आगे नाक रगड़ेगा, तब इसको मैं छोड़ूंगा। चल बे। किसकी इतनी हिम्मत हुई क्या रेड्डी के घर में घुसा और रेड्डी के आदमी को गिरफ्तार किया? कौन है यहाँ का थाना इंचार्ज? चाय पे होएगा? नहीं। बोलना थाना इंचार्ज कौन है? इसके आदमी को छोड़ दे, इसके आदमी को। चाय, चाय वाले। रेड्डी साहब गलती हो गई, अभी छोड़ता हूँ मैं आपके आदमी को। ये क्या किया सर आपने? चाय वाले बन गए, एक दो कोड़ी का गुंडा आके थाने में सिपाही को मार के चला गया और आपने कुछ नहीं किया? आग मत मूझ ज्यादा, रेड्डी के आदमी ने क्या कहा था कि रेड्डी ने आज तक थाने में कदम नहीं रखा, घसीट के लाया ना उसे थाने तक में। आगे नहीं आगे थाने, रफ्ता रफ्ता होगा सारा काम, इसके खिलाफ सबूत और मिल जाए उस दिन देखना, यही घसीट के लाऊंगा और थाने में बंद करूंगा। चल जा मेरी वर्दी लेके आ, कुछ खाने पीने चलना है।
एक बार रेड्डी के खिलाफ कोई सबूत मिलने दे, फिर देख तू। अफजल खा के यहाँ किसी की बख्शीश नहीं है। सर तुमने इतना सामान मंगा तो लिया, पैसे तुम दियो। अबे पुलिस होने के यही तो फायदे हैं, पैसे क्यों देंगे हम। तू तो और खाना चाहे और भी खा, पैसे थोड़ी देने पड़ रहा है हमें, पुलिस है। अच्छा भाई चला। अरे सर पैसे तो दे दो, जो जो खाया पूरे 395 रुपए हो गए। तू एक पुलिस वाले से पैसे मांगेगा, ऑन ड्यूटी डबल स्टार से, साथ में कॉन्स्टेबल वाले, हमसे पैसे लेगा तू। अरे सर मैंने अपने सामान का पैसा मांगा, कोई गलत बात थोड़ी ना कही है तुमसे। ओहो ज्यादा ओवर स्मार्ट हो रहा है, सामान का पैसा। अबे केक में तो जहर सा लग रही है भाई, है समझ रही कुछ। साले झूठा केस बना के जेल में डलवा दूंगा, कुछ तो तरस जाएंगी मिलने के लिए। वैसे सर वीडियो बन रही है इधर आपकी। सर अब पैसे देने में ही भलाई है। एक ये नया चोद आ गया बहन का, भोसड़ा मिनट से पहले वीडियो बनाने लगा है हर कोई। 400 है ले भैया पैसे। ले पकड़। टिप टिप ले रख ले टिप के तौर पे। इन्हें 5 रुपए घोस ले अपनी कान में, 5 रुपए की टिप दे रिया। अब फंसा बेटे तू, देख ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को गाली देता, अब बताऊंगा देख तुझे। क्या सबूत है? ये बनते रही है वीडियो। कहाँ बन रही है? अब कहाँ गया वीडियो वाला? मैं कह रहा हूँ सर चलो यहाँ से, बात लंबी ना पड़ जा। यार एक आम आदमी ने इतने झबास पुलिस वाले को फाड़ दिया। जी सर आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। ठीक है कर क्या रहे हो तुम लोग, ना उसके खिलाफ कोई FIR करी और ना कोई छानबीन कर रहे। अरे तुम्हारे चुतड़ों में ज्यादा आग हो रही है ना, तो तुम कर लो, आ जाओ तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह आ जाऊँ, फिर करते रहियो। कितनी जल्दीबाजी करोगे, नाटक कर रहा हो यार। यार मतलब अफजल आज हमारे ऊपर ही गर्म पड़ गया, अपने सीनियर के ऊपर। सॉरी सर। हेलो हेलो सर, यहाँ रेड्डी मर्डर कर रहा है। रेड्डी मर्डर कर रहा है तो तू एक काम कर, किसी और को फोन कर ले यार, मैं थाने में नहीं हूँ इस टाइम, 10 दिन की छुट्टी पाया हुआ हूँ घर पे। तो रेडी नहीं है सर, कोई पतला दुबला आदमी है, जल्दी आ जाओ। बस बस निकल गया, बेफिक्र रह, निकल गया थाने से मैं। सर आया मैं। गवाही देने से पहले मेरे बारे में जान तो लेता भोसड़ी के। तू कोई भी है बहना के भोसड़े, मुझे तो गवाही देनी है तेरे खिलाफ। अबे ये तो रेड्डी है। हेलो अबे तू तो कह रही है यहाँ पे रेड्डी ना कोई और है, ये तो रेड्डी कर रही है मर्डर। अरे दरोगा जी मैं दूर खड़ा था, मुझे दिखाना। तेरी वहीं आके माँ चौथ दूँ हाथी के भोसड़े, फंसवागा मुझे कैसा करवागा। सर ये गुंडा ही तो है, तुम डरते हो इससे? अजी डर गया इस झबरे से, काटू मसाले को देख एक दिन। अभी जरा सबूत नहीं है, इस चक्कर में दबना पड़ लिया इससे मुझे। सर कभी कभी मुझे तुम पे शक होता है। किस बात का? तुम इतने गटुए हो, पुलिस में लग कैसे गए? हाँ बहन करे तू जैसे 6 फीटा होगा पूरा, तू भी तो गटुआ, तू ना लगा पड़ा। मेरी बात तो अलग है सर। सर ये 20 लाख की चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, मैंने गिरफ्तार कर लिया इसको। ओफो इस झाटू ने 20 लाख की चोरी करी है? यस सर। तू एक काम कर, तू इसे छोड़ जा मैं देख लूंगा, तू और मुजरिम पकड़ के ला जा। और सुन कोई अगर पूछे इसे किसने पकड़ा, कहना अफजल सर ने पकड़ा है। हैं? ए मत कर, नहीं यहीं गाड़ मार लूंगा। जय ऐसे आई बे। सर मैं तुमसे अकेले में कोई बात करना चाहता हूँ। समझ ले मैं अकेला ही हूँ। सर मैं आपको 5 लाख। तू जा यहाँ से, मैं जरा इससे कुछ केस के सिलसिले में बात करूंगा। हाँ बता। सर मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। सर सोचो मत, बहुत मोटी रकम है 5 लाख। अबे वो ना सोच रिया यार, वो तो मैं मान गया तेरे पैसे लेने को, लेकिन ये सोच रहा हूँ तेरी जगह डालूं किसे अंदर, एक आइडिया है। चल तू अंदर बैठ, मैं इंतजाम करके आता हूँ। एक काम करते हैं, इसे ही डाले देते हैं उसकी जगह।
सर क्या कह रहे हो, ये बेचारा गरीब भिखारी है, इसे तुम चोरी के केस में अंदर डालोगे? थोड़ी बहुत इंसानियत तो दिखाओ सर। अरे भैया 5 लाख रुपए दे दिया, वो इंसानियत के कद्दू करेगी? फिर भी सर। चल 1 लाख रुपए तू ले लिए यार। ऐसे उठाएंगे सर तो ये चीखेगा, आसपास के लोग आ जाएंगे, कुछ और सोचो। ओए इधर आ, झाड़ू क्या कर रही है? तेरी लॉटरी लगी है 5 लाख रुपए की, थाने में पैसे रखे हैं। चल उठा लिए पैसे अपने, बैठ बैठ बना बैठ। सालों ने दिमाग खराब करके रख रखा है। चल बे तू और तू दोनों सामने आके कुश्ती लड़ो, जरा मेरा माइंड फ्रेश करो। अरे मैं ना लड़ लेगा हूँ साले से, इससे चूतिया आए। चूतिया तो तू कह गई, कई बार तुझे पेल दिया ना मैंने। आ तो आ तू ही आ। रुक जाओ मोटे वाले, तू हट, ये ज्यादा ताकतवर है, इसकी भिड़ंत अब मुझसे होगी। ओसड़ी वाली के बहुत रेपटे फेर दिए तूने सुअर। रेड्डी साहब गलती हो गई। गलती? अब देख मुझसे गलती होगी। भाई आ गया, आजा। सरकार अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है, मैंने अभी अभी फसल बोई है, उसको बेचते ही मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। सरकार इतना ब्याज मत बढ़ाओ, मुझ पर रहम खाओ सरकार, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सरकार। पापा, तुम इसके हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अब तू मेरे हाथ नहीं पैर पकड़ेगा, पैर पकड़। नहीं पापा, इस कुत्ते के पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हाथ जोड़ने की। पैर पकड़। नहीं पापा, पैर पकड़। बेटे बेटे तू ये कुछ नहीं हो सकते, बेटे उठ। बेटे बेटे तू ये कुछ नहीं हो सकते, बेटे उठ जा, बेटे बेटे उठ। रेडे, जिस इलाके से हमारे ट्रक गुजरेंगे वो इलाका नए थानेदार के इलाके में आता है। उस थानेदार से मेरी मीटिंग फिक्स करा, बोलना रेड्डी ने याद किया है। और जेडी तू फार्म हाउस खोल, हम उससे वहीं मुलाकात करेंगे। सर मुझे लगता है तुम रेड्डी से डरते हो। नहीं, रेड्डी तो मेरे पैरों की धूल है, बस एक बार मुझे उसके खिलाफ सबूत मिल जाए। हेलो, तुझे रेड्डी ने याद किया है? भाई साहब मुझे क्यों बुलाया रेड्डी साहब ने, मैंने तो देखी कुछ करा भी ना। आई भाई, मुझे क्यों याद करा है? आ रहा हूँ, देखता हूँ तेरा रेड्डी साहब कितना खतरनाक है। आ रहा हूँ वहीं पे। देखा तूने कैसे त्याड़ फैल जवाब दिए मैंने। चल सर, जो भी काम है जरा जल्दी निपटा लियो, क्योंकि सामने मैं दावत कर रहा हूँ। क्या मामला है भाई, दावत दावत कर रहा हो? सर मेरी बीवी के लड़का हुआ है। लड़का? अबे तू तो कह रही है 3 साल से यहीं हूँ, तो उसके लड़का कैसा हो गया? अरे सर जब मेरी जॉब लगी थी ना, तो मैं अपने छोटे भैया से कह के आया था कि भाभी का ध्यान रखिए, उसने आंखें मींच के ध्यान रखा भाभी का। तो यहीं बुला लेना अपनी बीवी को, मैं रख लूंगा ध्यान। हाँ सोचता हूँ, आओ फिलहाल जहाँ जा रहे थे चलो। हाँ चल रहे हैं, लेकिन अपनी बीवी को कर दे मैसेज वगैरह, आ जाएगी कोई? हाँ मैं कर दूंगा। जी रेड्डी साहब, कोई काम था क्या? कल तेरे एरिया से मेरे कुछ ट्रक निकलेंगे, मैं चाहता हूँ कि बिना कमिश्नर को पता चले तू उन ट्रक को निकलवा दे। बिल्कुल रेड्डी साहब, हो जाएगा, हम हैं तो। ले ये रख, और ऐसे ही हमारे काम आता रहे, और भी तुझे बहुत कुछ मिलेगा।
अरे रेड्डी साहब, हम तो हमेशा ही आपके लिए तैयार हैं। गांड तक की बात आ गई तो नानू कर नहीं करूंगा, सदैव तैयार हूँ। आप तो अपने कुत्ता समझ लो मुझे, भौंक के दिखाऊं? अरे नाना रेंदे। अरे ना सुनो तो सही, भो भो भो। हाँ चल जा। बच गया, अच्छा हुआ ये मुझसे कुछ बोला नहीं, वरना आज इसका यही तिया पाचा कर देता। और इसके खिलाफ सबूत मिलने दे, फिर इसे मैं बताता हूँ। ले ये मेरे अकाउंट में डलवा दे। चल तो यही है वो रेड्डी की फैक्ट्री जहाँ पर नकली दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसे खाकर आम पब्लिक मारी जा रही है। इसके पीछे बहुत बहुत बड़े पॉलिटिशियन और पुलिस वालों का हाथ है, इसके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। और मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से। क्या हो रहा है भाई, क्या मामला, नुकती सुकती बढ़ रही है क्या यहाँ पे? इस फैक्ट्री में नकली दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, और मुझे इस फैक्ट्री का खुलासा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने एक रिस्पेक्टेड न्यूज रिपोर्टर पे हाथ उठाया है। अभी तो हाथ उठाया, अब देख थाने ले आके तेरी टांगे भी उठा दूंगा। ना चुपचाप निकल जाए यहाँ से, कभी रिपोर्ट रिपोर्ट बन बांधू तेरी, चल जाए ऐसे झाड़ू। तो देख रहे हैं आप, पुलिस भी रेड्डी का साथ दे रही है। ना चलेगा यहाँ से, समझ में ना आ रही तेरी, रिपोर्ट बनवा दूंगा अभी। अरे भैया सही दवाइयाँ बननी है यहाँ, हम ना खा रहे हैं एक जमाने से, हमें कुछ ना हुआ आज तक, चल जाए यहाँ से। भोसड़ी का रेड्डी साहब पे कीचड़ उछाल रहा है यार। बहुत टॉप जुआ चल लिया है। जुआ सर, लूडो है तो ऐसा मारूंगा साले, मुझे सिखा रही यार, लूडो है ये जुआ, बेहिसाब जुआ खेला मैंने लूडो से ही, तमाम 100 रुपए जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, पर ये मुझे सिखा रही है कि ये लूडो है जुआ ना। सर जुआ थोड़ी खेल रहे हैं तो नमकीन नमकीन चल रही है यहाँ तो। हाँ आ गई ना बात घूम के, देख वहीं पे कितना संगीन जुर्म कर रहे हो मादर चौदो, चल इसे थाने लेके चल। चल भाई सर, क्यों सता रहे हो गरीबों को? आपको गरीबी मिलती है सताने के लिए, जाकर रेड्डी को पकड़ो, उसके यहाँ बनती है नकली दवाइयाँ, उसके यहाँ चलता है जुआ, वो करता गंदे गंदे का मर्डर करता है, जाकर उसे पकड़ो हिम्मत है तो। उसको नहीं पकड़ सकते तुम, क्योंकि तुम हो उसके कुत्ते, तुम उससे डरते हो। मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा, हिम्मत है तो पकड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं दूंगा उसके खिलाफ गवाही। एक काम कर, इसे छोड़, इस भोसड़ी को पकड़। सर सर मुझे क्यों पकड़ लो सर, सर मेरी गलती हो गई अंकल, अंकल तैस तैस में कह दिया मैंने, अंकल माफ कर दो मुझे। आलू अब कर रिया, तैस तैस में कह दी, साले गरीब और दूध हर जगह दबाए जाते हैं, पकड़ इसे, सुने मत इसकी। बोलो सर, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। क्या कंप्लेन है? रेड्डी के खिलाफ, उसने मेरे बेटे का मर्डर किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सर उसने मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे का मर्डर किया है। गलत है, रेड्डी साहब ऐसा कर ही नहीं सकते यार, अच्छे खासे भले आदमी है, मालदार आदमी है, जानता हूँ मैं उनको। मैं जानता था तुम यही कहोगे, मेरे पास एक वीडियो है जिसमें रेड्डी साफ साफ दिख रहा है मर्डर करते हुए, लो देखो। मेरा चूतिया बना रही है साले बुड्ढे, एडिटिंग ने चल रही है आजकल, एडिटिंग करवा के लाया होगा तू मुझे पता, रेड्डी साहब के खिलाफ भड़का रही है मुझे। सर क्या कह रहे हो सर, रेड्डी के खिलाफ सबूत मिल गया, पकड़ो ना उसे, ये झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, आप ही तो करते रहते हैं सबूत सबूत। अबे तू चुप जा रेड्डी के बीच, तू ये ना बता एडिटिंग है ये, रेड्डी साहब को हम जाने, गलत काम कर ही ना सकते वो, जब ये यहाँ से जा तू। मैं जानता हूँ ऑफिसर, तुम बिक चुके हो, रेड्डी ने अच्छा खासा पैसा खिलाया ना तुम्हें, मुंह बंद कर दिया ना तुम्हारा पैसा खिला के। एक बात याद रखना, ऊपर वाले के देर है अंधेर नहीं। सर ये बहुत गलत हो रहा है। अबे तू चुप जा भैया, मैं तुझे भी सस्पेंड कर दूंगा अभी। सॉरी सर, गलत सलाह था मैं सिखाऊंगा। ये सारा पैसा मैं तुझे दूंगा, जिस जगह पर तू बैठा है ये सारी जगह भी तेरी होगी, लेकिन मेरा सिर्फ तुझे एक काम करना होगा। काम क्या है? जिस दिन से मेरे बेटे की जान ली है रेड्डी ने, उस दिन से सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, रेड्डी को जान से मारना।
और ये काम सिर्फ तू कर सकता है। अबे ओ बुड्ढे, तुझे पता तू क्या बोल लिया? तेरे साथ साथ रेड्डी मुझे और मरवा देगा। अरे उसे पता चलेगा तभी तो। तू सिर्फ उसको अकेला मेरे पास तक लेकर आ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ज्यादा मत सोच, तू कुत्ता थोड़ी है जो वफादारी करेगा। इसे देख, ये सारा पैसा तेरा होगा और रेड्डी के मरने के बाद उसकी राजगद्दी भी सिर्फ तेरी होगी। ठीक है। अरे मानता है तो ठीक, वरना मार डाल साले को। भाई बोलना, घबरा क्यों रहा है? भाई वो मैंने शादी कर ली, मेरी वाइफ आपसे मिलने को बोल रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात कौन सी है? चल जल्दी जेडी को ही बुला, चलते हैं तेरी वाइफ से मिलने। नहीं नहीं भाई, वो जेडी तो वहीं है, बस आप चलो, वहीं है वो। आओ। चल। क्या हुआ भाई? चलो। कुछ नहीं, चल। कहाँ है तेरी बीबी और जेडी? ये बुड्ढा यहाँ क्या कर रहा है? इसने ही तुझे यहाँ बुलाया है, वो भी अकेला। गद्दार? गद्दार नहीं रेड्डी, पैसा सब कुछ कराता है। तेरे पास मैंने इतने समय से काम किया, इतना तूने मुझे नहीं दिया जितना मुझे इसने एक बार में दिया तुझे यहाँ लाने के लिए। पैसा पैसा। गद्दारी पैसे के लिए की और एक पैसा ना ले जा सका। बहुत गलत है रे, बहुत गलत है। हे ऊपर वाले, आज क्या क्या करवाएगा तू मुझसे? आप कितना पैसा लोगे सर रेड्डी से इसके मर्डर का? क्या हुआ सर, चौंक गए? मैंने कुछ गलत नहीं कहा सर, पैसा 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 चाहिए बस। इसकी माँ रोज थाने में खाना लेके आती है, क्या जवाब दोगे उसे? इसका बाप पूछेगा कल के इसके बेटे की मौत कैसे हुई, क्या कहोगे उससे? क्या सर मिलेगा इसे इंसाफ? बोलिए सर, ये बॉडी भी कचरे में ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये सब मेरी गलती है, मैं इसे सुधारूंगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और चलो सीधे कमिश्नर ऑफिस। बहुत गलत हो रहा है। I'm sorry सर, ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं रिश्वत लेता, ना आज ये दिन देखना पड़ता। पैसों के लालच में मैं अंधा हो चुका था सर, मैं अपने फर्ज से भटक गया था। लेकिन अब आप देखेंगे कि कैसे मैं अपना फर्ज निभाता हूँ और रेड्डी का सफाया करता हूँ। आज मुझे लगा कि मेरे सामने एक सच्चे ईमानदार ऑफिसर खड़ा है। थैंक यू सर। चुप नहीं बैठेगा, मैं यही तो चाहता हूँ रेड्डी कुछ करे। साइड में लगा चल। किसकी इतनी हिम्मत हुई? कौन है वो कुत्ता जो रेड्डी की फैक्ट्री सील कर उसके कंटेनर रुकवाए? जानता है रेड्डी की पावर को? मैं इस एरिया का विधायक हूँ, तू है यहाँ का थाना इंचार्ज, तुझे अभी सस्पेंड किया देता हूँ। इसे होश में लाओ और इसका स्टेटमेंट लो रेड्डी के खिलाफ। कमिश्नर साहब को फोन कर, मुझे उसका
अरेस्ट वारंट चाहिए। रेड्डी बिना लोचा किए चुपचाप मेरे साथ चल, मेरे पास तेरा अरेस्ट वारंट है। कल तक तू मेरा ही पालतू कुत्ता हुआ करता था और आज तू मुझे ही काटने को दौड़ आया। कल तक मैं गलत था लेकिन आज नहीं, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। ईमानदारी का भूत चढ़ा इंस्पेक्टर साहब को। ए मार। ए इंस्पेक्टर रुक, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं जेल में चलने के लिए तैयार हूँ। निकल गई सारी हैकड़ी, पकड़ साले को। रेड्डी ने की कस्टडी से भागने की कोशिश और पुलिस पे किया जानलेवा हमला। बचाव में इंस्पेक्टर अफजाल अहमद को रेड्डी का इनकाउंटर करना पड़ा। सर, वो रेड्डी भागने की कोशिश कर रहा था और हम पे गोली भी चलाई, मजबूरन मुझे उसका इनकाउंटर करना पड़ा। मैं सब जानता हूँ ऑफिसर, बैड लाइन। ओके सर।